नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के उस जाबाज सैनिक के बारे में जिसने अफगान में फंसे हुए बहुत से लोगों को बचाया। इसके अलावा जो तालिबान के अंडर अफगान के ही लोग थे उनको भी बचाया, यानी कि एक बहुत ही लार्जेस्ट नंबर में अकेले नेपाली सैनिक ने इतना कुछ काम करके दिखाया। तो इनके बारे में यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है इन्हें, और इसके जरिए नेपाल का भी बहुत ज़्यादा नाम रोशन हुआ है। तो ऐसे सैनिक के बारे में जिक्र करना तो बनता ही है, और सभी नेपाली इस पर प्राउड भी करते हैं। तो हमें भी लगता है कि बहुत बड़ा काम है ये और इस पर वीडियो बनना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पे, उसके बाद हलचल सी मच गई एक हिसाब से देखा जाए तो। और उस समय जो यूएसए के सैनिक थे उन्होंने काफी हेल्प करी, और उसके अंदर ही यहाँ पे एक नेपाली जाबाज जिसका नाम था पारस उप्रेती, जी हाँ दोस्तों, पारस उप्रेती, जो कि अकेले दम पर बहुत सा काम कर गए। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये अभी काम कर रहे हैं यूएसए की जो फोर्स है, यानी कि अमेरिकन आर्मी में हम कह सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इनके पास वो है, इनको अकेले को 5 लैंग्वेज से भी ज़्यादा आती है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी इनको आती है, इंग्लिश इनको आती है, नेपाली की, तो ये नेपाल के हैं तो नेपाली तो इनको आती है। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी और कुछ अफगानी भी उनको आती है। तो अफगानिस्तान के लोगों को बचाने में, उनकी हेल्प करने में इनको इस चीज़ में भी फायदा मिला, क्योंकि इनको वो लैंग्वेजेज आती थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका बहुत बड़ा सपना था, वो भी उन्होंने पूरा किया। जब ये नेपाल से गए थे अमेरिका, तो उनका यहाँ पे एम था कि वो एक इंजीनियर बने, जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की उन्होंने। और उन्होंने ये जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है अपनी अमेरिका में, उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पूरी की। और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे डिफेंस लैंग्वेजेस टेस्ट होता है उसको भी फाइट किया, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और जो इनके लिए बहुत प्राउड करने वाली बात थी। और इससे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, डिफेंस में जाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इनके जो फादर्स थे वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे जो कि नेपाल में ही थे, और उन्होंने उनको गाइडलाइंस दिया, यानी कि गाइडलाइंस के आधार पर इनको सब कुछ पता था कि अमेरिकन आर्मी में क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने तैयारी करी और वो ये यूएसए आर्मी में भर्ती हो गए। उसके बाद जब अफगान में यहाँ पे तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे अमेरिकन आर्मी सहयोग करने के लिए आई अफगानियों का, तो ये भी साथ थे। और उसके बाद यहाँ पे जो मिशन इन्होंने शुरू किया वो वास्तव में सराहनीय तारीफ था। जो कि पारस उप्रेती हैं, उन्होंने स्टार्ट किया लोगों की हेल्प करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प हो, चाहे उनको निकालना हो, चाहे दूसरे देश के लोग हैं उन्हें पहुंचाना हो। इसके अलावा जो अफगान के लोग हैं जिनको ज़रूरत है सहायता की, जैसे कि हम सहायता के रूप में कह सकते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करवाना हो या फिर उनको किसी मुसीबत से बचाना हो, ये सारे काम वो करे थे उन्होंने। इस काम को करने के लिए पारस जो उप्रेती है वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। वो अपनी AK-47 के साथ फाइट भी लड़े इस सभी काम को यहाँ पे निपटाने के लिए, जो कि वीरता का प्रतीक है और जो कि एक नेपाली सोल्जर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि वो एकदम प्राउडली कह सकते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, एनी टाइम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, जो कि उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो काम किया उन्होंने, सारा का सारा काम करने के बाद वो एक लेजेंड बनकर ऊपर उभर कर आ गए। अब यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद वो थोड़ा यहाँ पे जो अमेरिका का एक सबसे बढ़िया मैगजीन है उसके अंदर फ्रंट पेज पे उनका नाम आया, उनकी डिटेल्स आई। उस डिटेल्स में जो कुछ एक मैं आपको बता दूं कि वो जिक्र करते हैं अपने बचपन के बारे में। तो बचपन के बारे में वो बताते हैं कि उनकी माता उनके लिए शूज़ खरीदती थी, तो थोड़े बड़े शूज़ खरीद लिया करती थी। बड़े शूज़ इसलिए कि ताकि अगले साल ये बच्चा बड़ा होगा तो भी वो शूज़ हैं वो फिट आ सके, ऐसी कुछ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आई लव माई हिंदुज़म, यानी कि उन्होंने अपनी बातें ये भी बताया कि मैं लव करता हूँ हिंदुज़म से, मैं एक हिंदू हूँ और प्राउड फील करता हूँ। इन सभी बातों का यहाँ पे हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सैनिक और जो भी यूएसए में चला गया है, उसके बाद भी उन्होंने अपने कल्चर को नहीं भूला, जो कि हमें भी नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात अब ये है कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है और उसके लिए यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया है,
तो कहीं ना कहीं नेपाल को भी प्राउड हो रहा है, नेपाल का नाम रोशन हो रहा है। इसी प्रकार के लोगों की जरूरत है नेपाल को, जो कि नेपाल को और ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचा सके, और यही यहाँ पे चाहिए नेपाल को अभी एट प्रेजेंट, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं इनके बारे में, आप अगर लव करते हैं, आप अगर प्राउड करते हैं इन पर, पारस उप्रेती पर, तो प्लीज यार एक बार कमेंट करके बताइए, पारस उप्रेती लिख के या फिर प्राउड टू बी नेपाली लिख के बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में ही एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं।